सत्संगत जी, प्यार से कहना धन नंकार जी, आज बहुत समय के बाद अपने मन के भाव आप सबसे साझा करने का इस रूप में जो अवसर बना है, तो दासी जहां सबसे पहले ये निरंकार से अरदास कि सभी की सेहत भी जहां सही हो और ये सबके व्यापार रूप में कामकाज जो भी ये दुनियावी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसमें भी सब अब जहां नॉर्मैलिटी की तरफ सब हो रहा है, पर साथ ही जो प्रिकॉशंस अभी भी हमने ढील नहीं करनी उनमें भी कि कैसे अपने जीवन को स्वस्थ रखते हुए ये जो निरंकार हमें मिला है इसके ऊपर आधारित हमें अपने आप को पूरा रखना है। तो कैसे हम आज की स्थिति में भी जहां ये पैंडेमिक अभी भी इस तरह है, तो कैसे हम अपने आप को और मजबूत रख सकें और इस निराकार का आधार बनाते हुए जिंदगी को चला सकें। तो वही उदाहरण एक आ रहा है कि जैसे लोहा होता है उसको वो इतना स्ट्रांग होता है कि उसको कोई भी चीज नष्ट नहीं कर पाती, पर अगर उसी लोहे की अपनी ही जंग उस तरह उसको पकड़ लेती है कि फिर उसकी मजबूती भी खत्म हो जाती है। तो ये जो रस्ट है, ये हमारे मन की जो अवस्था कभी कभी हमें निराकार से दूर ले जाती है, अगर उसकी तुलना ऐसे की जाए कि ये हमारा मन तो दातार ने जहां ऐसा निराकार से जोड़ के स्वच्छ निर्मल पावन बना दिया है, फिर हम ये भी जान गए हैं कि हमारे रूह की इस निराकार से जो एक मिलाप है वो हो गया है, तो फिर क्यों हम अपनी मन की अवस्था में ये उतार चढ़ाव देखते हैं? वो इसलिए क्योंकि हमारा मन ये तो जानता है कि निराकार है, पर उससे अपने आप को कभी कभी पीछे कर लेता है। कभी कभी दुनिया में ये माया रूप इतना आकर्षित हो जाता है कि फिर ये भूल जाता है कि असली सच्चाई तो निराकार है और यही सच्चाई है जो सदैव से रही है, सदैव के लिए है। तो ये टेम्प्ररी कई बार एक इतनी चकाचौंध दुनिया की दिखती है, तो ये जो जंग रूप है हमारे मन को जब लग जाती है तो वो प्रदूषण हमारे मन का फिर बढ़ता है, और ये प्रदूषण साफ सिर्फ इस निराकार के ही आश्रय से होता है, इसके सिमरन से, इसके एहसास से। जैसे हरदेव वाणी में भी लिखा है कि स्वच्छ मन ही इस जीवन को आनंद से भर लेता है, प्रदूषित हो जाए तो सुख चैन सभी हर लेता है। कि कैसे हमारे मन में जहां इस निराकार को टिकना है हमेशा, वहां हम कभी कभी ऐसी गंदगी रूप या प्रदूषण रूप अपने मन में ले आते हैं, क्योंकि मन तो इतना चंचल हमेशा कि अगर हम सुबह कोई काम से रात को अलार्म भी लगाते हैं कि सुबह जल्दी उठना है, या फिर कभी ऐसा सोचते हैं कि कल से सुबह उठते ही एक एक्सरसाइज, एक अपने शरीर पे ध्यान देंगे, तो जब सुबह का समय वो अलार्म बजता है तो फिर हम उसको स्नूज कर देते हैं, या स्नूज के अलावा कभी बंद करके ये भी सोचते हैं कि हम अब कल से शुरू करते हैं रूटीन, आज थोड़ा और सो जाते हैं। तो भाव क्या कि मन ने ही पहले हमें ये सोचा हमने कि उठेंगे कल से, वो भी मन का ही खेल था, और ये जो आलस्य की स्थिति मन ने जो अपने आप को लेजी किया वो भी मन का ही खेल था। तो कैसे हम कभी तो अपने आप को इतना मोटिवेट भी कर लेते हैं और कभी उस जो कार्य हमने सोचा होता है दृढ़ होने के बाद भी उससे आलस्य कर लेते हैं, तो मन का तो ये चंचल होना है, तो उससे हमें किस तरह निरंकार और ये वाला बैलेंस जो बनाकर रखना है कि जब तक हम मन के ऊपर काबू रखते हैं तो ही एक हमारा फायदा है, और जब इस मन को अपने ऊपर काबू होने देंगे तो हमें पता भी नहीं लगेगा कि ये धीरे धीरे निराकार हमारे जीवन से कैसे आलोप हो जाएगा, हम बिल्कुल भूल जाएंगे इस निराकार को। तो हमें किस तरह एक अपने जीवन में वो स्थिरता लानी है कि हम इस मन के ऊपर, चाहे इतने भाव इस मन के होते हैं, किसी ने हमें कोई कष्ट पहुंचाया तो हम आसानी से उसको माफ भी नहीं कर पाते, एक फॉरगिवनेस की बात जहां आती है,
चाहे हम उस तरह सोचें कि एक माफी देने से दूसरे का कुछ बिगड़ेगा नहीं या बनेगा नहीं, पर फायदा सिर्फ हमारा है, क्योंकि एक तो हमारे मन से वो भार भी उतर जाएगा, हम ये पहचान जाएंगे कि हम माफ इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो कार्य उस इंसान द्वारा सुधर गया है, पर क्योंकि हमने अपने मन को उस तरह निरंकार की रजा में डाल लिया है और वो एक माफी देना बहुत ही आसान हो गया है। और कैसे उसके बाद हम फिर वो ग्रजेस नहीं रख पाते, अपने मन पे ही हम वो काम करते हैं जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात होती है, कि अपना सुधार वो हमारे हाथ में ही है, हम अपनी सोच को कैसे लेके जाएं वो भी हमारे हाथ में है। जैसे पिछले कुछ दिनों में महीनों में सभी ने ये एक्सपीरियंस भी किया होगा कि कुछ परिवार कुछ दोस्त इतने दूर बैठे हैं और मिलना जुलना भी नहीं हो पा रहा, तो कैसे उनको मन में ये आता होगा एक इरिटेशन या कुछ ऐसा भाव। तो उसको भी हम अगर मन में सोचें कि प्यार क्या है, ये दिल से दिल की बात ही है, ये जो जेस्चर्स, ये एक हमारे मन के अंदर हम एक किस भाव की बात ही कर रहे हैं जो दूसरे तक पहुंचता है, तो फिर जब ये बात एहसास होती है तो ये भी लगता है हाँ वो मिलना जुलना भी इतना जरूरी नहीं जितना दिल में असली रूप में प्यार है, क्योंकि जो प्यार बढ़ता घटता है वो प्यार असली में होता ही नहीं है, प्यार भी एक स्थिर चीज है इस निरंकार के अंदर से ही जो मिली है। तो क्यों ना हम पूरे विश्व में इसी तरह हर एक को, चाहे उसको जानते हो ना जानते हो, चाहे मिले हो ना मिले हो, उसके लिए अपने मन में इस प्यार को बरकरार रखें। और एक उदाहरण यही कि मन की स्थिति के ऊपर एक कहानी जो याद आ रही है कि एक तूफान का दिन था और किश्ती में सवार एक व्यक्ति एक यही अरदास कर रहा था अपने इष्ट से कि ये तूफान रुक जाए, मैं जीवित बच पाऊं, और ऐसा जब हो जाएगा तो मैं अपना जितना भी मेरा एक घर है उसका एक महल था तो मैं सब ये सबकी सेवा कर दूंगा उस मनी से, उस पैसे से जो मिलेगी। तो ऐसा जैसे ही उसके मन में भाव आए तूफान एकदम थम गया, और उसके बाद फिर उसके मन में ही ये बात आई कि अब तो तूफान थम गया है, मुझे जो मैंने कुछ कहा था वो करने की जरूरत नहीं। फिर कोइंसिडेंटली उसी टाइम तूफान फिर से आया और फिर वहां उसने बोला कि मेरा मन मुझे अलग अलग सोच दे रहा है पर मैं ऐसा ही करूंगा जो किया है। तो खैर ऐसे ही उसकी जर्नी चली और वो अपने घर भी पहुंच गया, और फिर अगले दिन उसने एक इश्तेहार निकाला अखबार में कि घर नीलाम होना है और उसके पैसे से सबकी सेवा की जाएगी। तो सभी जरूरतमंद उस व्यक्ति के घर के पास जब पहुंचे तो उसने एक शर्त रख दी कि मैं अपना घर 1 रुपए में बेचूंगा और ये साथ में जो मेरी पालतू बिल्ली है वो 10 लाख रुपए की है। तो सबको बात अजीब तो लगी पर वो शर्त ये थी कि जो खरीदेगा इकट्ठे ही खरीदना है, अलग से घर नहीं मिल पाएगा। तो जब ऐसा हुआ उसके बाद उस व्यक्ति का बिल्ली भी जो बिक गई और घर भी, फिर उसने एक जो रुपए का घर था तब अपने मन में फिर से चलाकी करते हुए दातार से ये बोला कि ये जो मैंने प्रॉमिस किया था, ये वादा किया था कि जो घर बिकेगा उसके पैसे से मैं सेवा करूंगा, सबको बांटूंगा, तो ये 1 रुपए का मेरा घर बिका है तो ये मैं सब में बांट रहा हूँ। तो कैसे ये हमारे मन की ही अवस्था दर्शा रहा है कि ये चतुर चलाकियां, ये निरंकार का भय कि तूफान आ रहा है जिंदा बचना है, तो वो भय भी मन के अंदर खुद डाला, वो एक उसके बाद भय से निकलने का एक निकलना सिचुएशन से बाहर कैसे, उसका भी तरीका एक ये शातिर दिमाग हमारा जो करता है इस मन ने। तो कैसे ये सब होने के बावजूद भी अगर हम सोचें कि इस निराकार के साथ तो सिर्फ प्यार का रिश्ता है, तो ये डरावा भी हमने मन को खुद ही दिया है भय का, और उसके फिर भय के चक्कर में उससे निकलने के चक्कर में एक वो भी बात आ रही है कि हम इसको कैसे डॉज करें सिचुएशन को। तो कैसे हम नारा ही मन है जिसने एक
भाव भी उत्पन्न किए हैं इस प्रकार के, और हमारी खराबी भी फिर हमारा मन तब करता है जब हमने उस मन के ऊपर कोई काबू एक नहीं रखा, नियंत्रण नहीं रखा, उसको किसी भी डायरेक्शन में एक भागने दिया। तो कैसे ये लगाम मन की जहाँ जरूरी है, और वो लगाम सिर्फ और सिर्फ सेवा सुमिरन सत्संग इस निरंकार के आश्रय की ही होती है। और अभी इतने महीनों से जो ये सोशल मीडिया में जूम के रूप में, चाहे सत्संग का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, पर इस रूप में भी जो चर्चा होती है, तो वो भी सब अपनी बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज से करें, जहाँ दासी को भी पता लगता है कि बहुत अच्छे पॉजिटिव रिस्पॉन्स उसके भी आ रहे हैं, पर कहीं कहीं ये समझ में आता है कि कुछ सिर्फ एक सेल्फ प्रमोशन के लिए, कि इसलिए नहीं उस चर्चा को सुने, पर इसीलिए कि उसमें कुछ सुनाएं और बहुत सारा सुनाएं, तो वो भी बहुत ही मर्यादित रूप में होकर एक उस भाव से कि अगर सत्संग नहीं मिल रही तो कुछ इस रूप में संतों की वाणी कानों तक जाए, मन तक जाए, तो उसका भी एक उसी रूप में ही आदर हो। तो दातार कृपा करे हम सभी पर कि हम सब जहाँ इस मन को हमेशा यही बात सोचें कि कोई स्थिति है तो निरंकार का आसरा लिया है, तो वो हमको सामने पता भी लग जाएगा कि स्थिति में हमें किस तरह पेश आना है, या हमारे मन को हमेशा झुकाव की ओर रखते हुए एक निरंकार के प्यार में एक वॉर्म्थ को फील करते हुए जब रहेंगे, तो फिर हमसे ये गलतियां भी नहीं होंगी, हमारा दिमाग भी चलाकियां नहीं करेगा। तो दातार सभी पे कृपा करे कि इस दातार को ही सब कुछ मानते हुए अपने जीवन में जहाँ नॉर्मैलिटी की तरफ अब जा भी रहे हैं, तो भी कुछ ये इरिटेशंस और परेशानियां अगर फील होती हैं कि अभी भी रूटीन पूरी तरह से नॉर्मल नहीं लग रही, तो उसमें भी इस निरंकार का ही एक विश्वास पूरा रखें। कहने को तो कह देते हैं हम कि निरंकार पे बहुत विश्वास है, पर जब ऐसी स्थितियां आती हैं जो हमारे मन के मुताबिक नहीं होती, तो फिर हमें ये लगता है कि अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इससे अच्छा हो ही ना, एक अपने मन में हम एक्सट्रीम बात कर बैठते हैं, ये भूल जाते हैं कि निरंकार की ही रजा है तो ही कोई कार्य नहीं हो पा रहा। सीधा यहाँ तक भी कि आजकल ये डिप्रेशन की बात और उठ रही है कि घर बैठे बैठे भी एक मन ऐसा हो रहा है कि यहाँ तक सोच लेते हैं कि ऐसी जिंदगी से अच्छा मौत बेहतर है। तो हमें ये याद रखना है कि ये तन हमें इस निरंकार का दिया हुआ एक गिफ्ट है जिसको हमने खराब नहीं करना है। इस मन को भी इस दातार के लिए हमेशा अर्पण, ये संगत के लिए मन इतना सॉफ्ट एक दिल हमारा कि दूसरे की चोट भी जो फील करे, तो उस तरह हमने जहाँ सेवा सुमिरन सत्संग और ये तन मन धन की बात जो निरंकार क्या ही है, तो उसका सदुपयोग करना है। और हमेशा अपने आप को हमने उस रूप में ढाल के रखना है कि सचमुच हम इस संसार में आए हैं तो इस प्रभु निरंकार को हम प्राउड फील करा सके कि जो एक इंसान का काम है वो सब इंसानियत के रास्ते पे चलते हुए करें और बिल्कुल अपनी जिम्मेवारियों से पीछे ना हों। तो दातार सभी पे कृपा करें।